नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एटॉमिक ग्लोबल नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। आगे बढ़ें उससे पहले, आप अगर नए यूजर्स हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एटॉमिक से रिलेटेड आपको लेटेस्ट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दोस्तों atomic.com/US, ये USA की वेबसाइट है एटॉमिक की। तो इसके ऊपर जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो मेंबर्स जिन्होंने एक साल से आईडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है, जो इंडिया के मेंबर्स हैं जिन्होंने एक साल से आईडी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है और अभी तक उन्होंने कोई भी परचेज नहीं की है एक साल से, ठीक है, तो उनका आईडी डिलीट होने की 99.9% पूरी संभावना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिन्होंने 30 जून 2018 को रजिस्ट्रेशन किया है एटॉमिक में और उनका जीरो परचेज है, जीरो पॉइंट वैल्यू है, ठीक है, तो उनका 1 जून 2018 से लेकर के 30 जून 2019 तक अगर इन्होंने कोई भी आइटम बाई नहीं किया है एटॉमिक से, तो जुलाई 3 को रात को 11 बजे उनका आईडी सिस्टम से डिलीट हो चुका होगा। तो कृपया करके आप अपने आईडी में लॉगिन कीजिए, लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके चेक करो आप कहीं आपकी आईडी डिलीट ना हो चुकी हो। अगर डिलीट नहीं हुई है तो 31 जुलाई से पहले आप अपने मेन ऑफिस जो है उससे कांटेक्ट कीजिए, आप अपने अपलायंस से कांटेक्ट कीजिए, एटॉमिक के प्रोडक्ट बाय कीजिए, छोटे से छोटा कोई भी प्रोडक्ट, तो आपकी आईडी सिस्टम में एक्टिवेट रहेगी। एटॉमिक की गाइडलाइन के मुताबिक क्या होता है कि आपको जब एटॉमिक से जुड़ते हैं तो एटॉमिक में रीपरचेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता, ठीक है, साल में आपको एक प्रोडक्ट बाई करना होता है तो आपकी आईडी सिस्टम में एक्टिवेट रहेगी। अगर आप एक भी प्रोडक्ट बाई नहीं करोगे साल में तो आपके नीचे जितनी भी टीम बनी होगी वो यूजलेस रहेगी, ठीक है। अगर आप एक परचेज कर लेते हैं एक साल में कोई भी छोटे छोटा प्रोडक्ट, तो आपकी आईडी सिस्टम में एक्टिवेट रहेगी, नहीं तो आपकी आईडी सिस्टम से डिलीट कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी एटॉमिक ऑफिशियल्स के द्वारा, मैनेजमेंट टीम के द्वारा, और अगेन आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपकी जो पोजीशन है एट प्रेजेंट है वो काफ़ी डाउन में जाएगी। अलग से नए सिरे से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी पोजिशन, जो प्रजेंट पोजिशन है, उसको काफ़ी इफेक्ट होगा और आपके नीचे जितनी टीम बनी हुई है सारी की सारी बेकार आपकी मेहनत चली जाएगी, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने अपलायंस से कॉन्टैक्ट कीजिए, अगर आपने अभी तक एक भी प्रोडक्ट बाई नहीं किया है तो उस प्रोडक्ट को बाई कीजिए एक साल के अंदर, रजिस्ट्रेशन के एक साल के अंदर आपको कोई भी एक छोटा मोटा प्रोडक्ट बाई करना होता है ताकि आपके अकाउंट पे उस प्रोडक्ट के बदले पॉइंट वैल्यू आ जाए, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं 12 महीने के अंदर तो आपके अकाउंट में उस प्रोडक्ट के बदले कंपनी क्या करती है, पॉइंट वैल्यू डालती है, जिसको PV बोलते हैं। तो आपकी आईडी एक साल तक सिस्टम में बनी रहेगी और इससे रिलेटेड नई जो गाइडलाइन आएगी एटॉमिक की, उसके लिए आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। अभी कुछ चेंजेज होने वाला है एटॉमिक के, जो परचेज है 12 महीने है अभी, तो हो सकता है टाइम घटाया बढ़ा दें, उसके बारे में हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। जब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तब आपसे डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आप इस, अगर आप अपनी आईडी को लॉगिन करके चेक कीजिए यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, अगर आपकी आईडी लॉगिन हो रही है और अगर आपका एक साल से ज़्यादा का टाइम हो रहा है या एक साल होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी आप प्रोडक्ट